पूरी रोमांटिक टाइप का। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो ये हमारा फर्स्ट नाइट है फ्रेंड्स। अभी हम लोग क्रूज डिनर के लिए रेडी हो रहे हैं, जाने वाले हैं। नीचे गाड़ी आना बाकी है, हम वेट कर रहे हैं। यहाँ पर है वेंडिंग मशीन होटल में, अगर आपको कुछ लेना होता है तो ये है प्राइस। देखने तो थोड़ी देर रुकने के बाद हमारा टैक्सी आ गया। This is our taxi for the trip. और हम लोग बैठ गए, निकल गए अपने क्रूज डिनर के लिए और थोड़ा इंजॉय किया हम लोगों ने ये रात का नज़ारा। दुबई के स्ट्रीट्स, बिल्डिंग, गाड़ियाँ, जो लाइट्स है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो जो एक अजीब सा जो बिल्डिंग है वो है फ्यूचर म्यूजियम, बहुत ही फेमस है, बट वहाँ हम गए नहीं। और कुछ देर बाद हम अपने स्पॉट पहुँच गए। वहाँ पे बहुत सारे क्रूज़ थे जो कि आप लोग अलग अलग कंपनी से जब बुक करते हो तो आपको अलग अलग असाइन होगा। तो हम लोग घुस गए लाइन पे। ये बात अलग है कि जो एक्चुअल सीज़न रहता है उस पर थोड़ा महंगा पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ऑफ सीज़न गए थे। और हम लोग अपने क्रूज डिनर के डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, बट एक्जेक्टली कौन सा है हमारा क्रूज थोड़ा दूर पे आई थिंक, और आगे जाना पड़ेगा। इतना रोमांटिक रोमांटिक टाइप वाला क्रूज है। पिंपल मेरा भी निकल रहा था। हम लोग अपने क्रूज के टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, 8:30 को होगा, तब तक यहीं पे वेट करना होगा। इविका इज ऑल्सो देयर, थोड़ा सैड है पर कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। 8:30 को है हम सबका। बहुत गर्म है यहाँ पे, पसीना पसीना हो गया। गर्मी गर्मी। फाइनली हमारा टाइम हो गया था तो हम लग गए लाइन पे और टिकट ले लिया और फिर हम एंटर करने लगे। वहाँ से हम गए सीधा अपने क्रूज की ओर। तो ऐसा था कुछ अंदर दिखने में, और ये था एक फ्लोर और इसके ऊपर भी एक फ्लोर था। हम वहीं पे बैठे, इस नीचे वाले में एसी था बट ऊपर वाले में जो था फ्रेश एयर। सो हम लोग ऊपर ही चले गए, वहाँ पे बैठे और वहीं पे सब बुफे जो था वहीं पे अरेंज था। और नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा था ऊपर से, बहुत ही सुंदर लग रहा था।
थोड़ी देर बाद हम लोगों ने डिनर कर लिया। डिनर के लिए हम लाइन पे लग गए। वहाँ पे बहुत सारे आइटम्स थे, वेज नॉन वेज। और हाँ, थोड़ी देर पहले डिनर एंजॉय कर लिया और प्रोग्राम उसके बाद स्टार्ट होना था जो भी परफॉर्मेंस थे। और डिनर करने के बाद जो हमारा क्रूज था उसे एक राउंड लगाया। काफ़ी अच्छा लगा हम लोगों को। एक कोने से पूरे दूसरे कोने तक ले गए हमें, और एक चक्कर लगाने के बाद दोबारा हम लोग सेम स्पॉट पे पहुंच गए थे। फिर हमारा जो प्रोग्राम था वो भी स्टार्ट होने लगा था एट द सेम टाइम। एक बात जो मैं कहना चाहूँगी आप सबको वो ये है कि जब भी आप टूरिस्ट प्लेसेस में जाते हो, लोग आएंगे विद कैमरा और आपसे पोज करने को कहेंगे, फ़ोटो खींचेंगे, आपको लगेगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर कुछ देर बाद वो लोग वो फ़ोटो प्रिंट करके लेकर आएंगे और आप लोग से कहेंगे ख़रीदने को, तो बहुत महंगा बेचते हैं वो लोग। तो ये आपके ऊपर है कि अगर आपको लेना है या नहीं, वो फ़ोटो ख़रीदना है कि नहीं। ज़बरदस्ती ख़रीदने की ज़रूरत नहीं अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो, क्योंकि बहुत ही महंगा बेचते है। जो ये एक ट्रिक है जो वो लोग करते हैं, और सावधान रहिए आप लोग। और उसके बाद हमारा फर्स्ट प्रोग्राम शुरू हुआ जो एक डांस था। बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया इसने, आप लोग देखना। मैंने भी ये फर्स्ट टाइम देखा है, बहुत ही एनर्जी के साथ। जो होल परफॉर्मेंस, होल डांस था वो इन्होंने घूम घूम के किया, आप लोग देख सकते हो। पता नहीं कैसे कर लेते हैं।
फिर आए ये महाशय जिन्होंने एकदम महफिल जमा दिया सबके लिए और बहुत सारे टाइप टाइप के गाने बजाए, सबको नचवाया। पहले तो पंजाबी, फिर भोजपुरी, हरियाणवी, नेपाली, सब बहुत ही खुश थे, बहुत ही एंजॉय कर रहे थे यहाँ, जैसे कि आप देख सकते। हम लोग भी नाचे तो नहीं, लेकिन खूब एंजॉय किया उन्हें नाचते हुए देख के। कुछ इस तरह था हमारा फर्स्ट नाइट इन दुबई। हम लोग परफॉर्मेंस देखने के बाद, प्रोग्राम के बाद वापस अपने होटल रूम आ गए। एंड फाइनली वी आर बैक फ्रॉम डिनर। अभी वॉशअप करके सो जाएंगे। वेरी टायर्ड, दिस वाज आवर फर्स्ट डे एंड टुमारो वी हैव सम अदर प्लान्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। See you in the next video. Bye.